नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे कुछ आपके डाउट्स जो कमेंट्स के माध्यम से आए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस हैं उसके नीचे आए हैं और मैं पढ़ रहा था और सोचा कि रिप्लाई कर दूं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि वो जो कमेंट्स में पूछे गए थे कुछ ऐसे सवाल थे जो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना ली जाए ताकि आप लोगों में से किसी का भी उनमें से कोई डाउट हो तो क्लेरिफाई हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स है, मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो डाउट्स है इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर आता होगा, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए आप ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से लाइव पे आ रहा था तो मैंने सोचा कि लोग सुधर गए होंगे, तो बार बार मैं मना करता आया हूँ कि क्रॉनिक सवाल न मत पूछिए, जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ है उनका आपको ट्रीटमेंट अगर करना है तो व्हाट्सएप पे करिए और प्रॉपर उसका प्रोसेस में करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं यूट्यूब पर आते हैं, चाहे एक्यूट हो क्रॉनिक हो, मनमर्जी उसके दवाई बता देते हैं और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। मैंने कई केसेस देखे हैं, एट ए टाइम 4-5-7 दवाई बता देना ये समझदारी की बात नहीं है, इससे आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, मैंने देखा है, और जो लोगों को पता नहीं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब मैंने देखा फिर से लाइफ में जब आया हूँ तो वही चीज़ फिर से दोहराई जा रही है, तो मैंने सोचा कि फिर से इसको थोड़ा पॉज कर दिया जाए, तो थोड़ा मैंने उसको रोक दिया है कुछ दिन के लिए, फिर से शुरू करेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों के जो कॉमेंट्स में डाउट आते हैं उसको लेकर मैं एक छोटा छोटा बीच बीच में इम्पॉर्टेंट वीडियोस बना लिया करूँगा, आप उन वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो जो लोग आप कमेंट में पूछते हैं वहाँ पर आपका सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, और जो दूसरे लोग हैं उनके मन में भी ये ख्याल आ रहा है तो उनको भी वो जवाब जानने को बहुत इजी हो जाएगा। तो आज भी बात करते हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉमेंट्स, उसका रिप्लाई मैं दे रहा हूँ, आप अच्छी तरह सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, आइए देखते हैं। तो आइए सवालों का जवाब मैं एक एक करके आपका दूंगा, जो भी डाउट है आपका, जो भी कमेंट्स में मैंने आया है मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। सबसे पहला हम कमेंट लेते हैं गुरप्रीत सिंह जी का, उन्होंने जो टू बेसिक थिंग्स वाले वीडियो में उन्होंने कमेंट दिया है, लेकिन कितने मेडिसिन एक दिन में ले सकते हैं परहेज प्लीज़ बताएं। एक दिन में ऐसा कोई नहीं है, आप मदर टीचर में 3-4 दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन पोटेंसी में 1 से 2 दवाई लेने की कोशिश कीजिए। बेसिकली अगर आपका सही सिम्टम्स मैच किया तो एक दवाई से काम हो जाता है। और सेकंड सवाल आया है, मैं देख लेता हूँ आपको, हाउ लॉन्ग कैन वी कंटिन्यू विद आर्सेनिकम एल्बम 30 फॉर आस्थमा पेशेंट, ये आर्सेनिकम एल्बम के जो वीडियो है उसमें आया है, तो वहाँ पर प्लवन भट्टाचार्य जी ने बोला है, पूछा है सवाल। तो बेसिकली आप 10 से 15 दिन तक आर्सेनिकम एल्बम 30 ले सकते हैं एज पर कंडीशन, दिन में 2 बार करके ले सकते हैं और उसके बाद थोड़ा गैप करके आप फिर 10 दिन 7 दिन ऐसे ले सकते हैं, कंटिन्यू एट ए स्ट्रेच नहीं लेना आपको। अगला सवाल ले लेते हैं सूर्य भान जी का है, R40 सीजीजीएम जिमोलिनम के साथ ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं अगर इमरजेंसी में कोई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल मेडिसिन के साथ ये R40 वाला काम करेगा, तो आप ले सकते हैं, इट्स ओके। फिर उसके आगे का जो सवाल है वो ले लेते हैं, अशोक पटनायक जी बोलते हैं, सर प्रणाम, होम्यो में रेटिनल पिगमोंटासा का लिए कुछ है क्या? बिल्कुल है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं, फाइटोसिग्मा है, फिर उसके बाद फॉस्फोरस है, कोनियम मैक है, रूटा है, बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन सही मेडिसिन का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सत्यदेव जी बोल रहे हैं, क्या कालीफॉस 200 को पागलगंज में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ये जो टॉप की नोट्स विथ क्लिनिकल टिप्स है स्नायु तंत्र वाला वीडियो, उसमें पूछा है उन्होंने, बिल्कुल ले सकते हैं आप। अगला है धनंजय जी बोल रहे हैं, सर मुझे डायबिटीज स्पीडस के पूरे सिम्टम्स हैं, मैंने एसिड फर्स्ट स्टडी लिया, कोई फ़ायदा नहीं दिखा, सर प्लीज़ बताएं। देखिए सिर्फ और सिर्फ एसिड फर्स्ट से नहीं होता, बहुत सारी दवाइयाँ हैं उसके लिए, बहुत सारी दवाएँ हैं, लेकिन बेस्ट काम करेगा जब आप प्रॉपर आपका जो सिम्टम्स है वो सिलेक्शन करके आप लीजिए, बढ़िया काम करता है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं प्रबोध जी का, प्रबोध पुरोहित जी बोल रहे हैं, आई एम 78 ईयर्स ओल्ड, डायबिटीज 20 साल से उनको, अजोलिक्स एंड भोगलिटोर ट्वाइस ए डे, और शुगर लेवल वेरी हाई 400 से ऊपर रहता है, 2 एलोपैथिक दवाएं लेते हैं वो, तो फिर भी उनका रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसका प्रॉपर कोर्स करिए, मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा, उसका कोर्स करिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, तो कोर्स करिए, आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
आगे बात करते हैं मोहम्मद यूसुफ जी सर, होमियो डाउट को आंसर कहाँ से पूछे? यहाँ से कमेंट में आप पूछिए, मैं जब भी फ्री हो जाऊंगा आपका जवाब दे दूंगा। आगे नावेद सही जी बोल रहे हैं आंसर इफ यू एनी, अच्छा उसके नीचे उन्होंने प्रॉपर चीज़ों के बारे में जिक्र किया है, बहुत सारी चीज़ उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ। डिस्पाइट द क्लेम्स बाई प्रैक्टिशनर्स होम्योपैथी प्रैक्टिशनर नॉट इफेक्टिव बाई ट्रीटिंग एनी मेडिकल कंडीशन आर रिलेवेंट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी गेन सिंस लास्ट मिड 19th सेंचुरी कन्फर्म द होम्योपैथी रेमेडीज हैव नो एक्टिव कॉन्टेंट। मतलब ये सारांश मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने लिखा है वही घिसा पिटा सवाल जो पहले भी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि होम्योपैथी में लैब में कोई टेस्ट वगैरह होता है तो प्रूव नहीं हो सकता था कि उसमें कोई मेटेरियलसी कॉन्टेंट है, इसीलिए उसको क्वाकरी और नॉनसेंस कहा जाता है पूरे दुनिया भर में। लेकिन मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ नावेद जी, आप प्लीज़ देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो है इसके लिए और मैं फिर से यहाँ पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। अगला है विनय जैकब जी बोल रहे हैं होम्योपैथी इज नॉट बैंड इन जर्मनी। हाँ, जो मैंने वीडियो है वाई होम्योपैथी बैंड इन सम कंट्रीज, तो वहाँ पर विनय जैकब जी ने बढ़िया सा आंसर दिया है। होम्योपैथी इज नॉट बैंड इन जर्मनी और फ्रांस, इट इज ओनली गवर्नमेंट ऑफ दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्टॉप द सब्सिडाइज्ड रेट्स ऑफ दीज होम्योपैथी रेमेडीज so that the public cannot afford to buy these medicines as it will become expensive and the people will stop buying it and will be forced to buy allopathy. It is a pharma and government mafia. Pharma is getting billions of dollars profit, government and FDAs are filling their pockets. It's a sad situation. We have to change it and hail homeopathy, hail honeymoon. Achha, Vinay Jacob ji ne bahut badhiya iska likha hai, main aapko hindi mein translate karke bata deta hu कि होम्योपैथी जर्मनी और फ्रांस में बैन नहीं है, वहाँ के गवर्नमेंट ने ये किया है कि सब्सिडाइज जो रेट में कम रेट में गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए दवाइयाँ, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब कॉस्ट बहुत ही इंक्रीज कर दिया ताकि एक आम इंसान उसको यूज़ ना कर सके, और इस तरह से करेंगे तो दूसरी तरफ जब एलोपैथिक दवाइयों का सब्सिडाइज रेट मतलब कम दर में वो बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो एलोपैथिक लोग चॉइस करेंगे, और ये एक फार्मा और गवर्नमेंट का माफिया गिरी चल रहा है, ये उनका मतलब एक बिजनेस चमकाने का, अपने पॉकेट गर्म करने का एक कंडीशन है ये उन्होंने रखा है, तो इससे वो बैड सिचुएशन बोल रहे हैं, ये उनका विनय जी का कहना है। आगे बढ़ते हैं, कालिया जी बोल रहे हैं इज देयर एनी मेडिसिन फॉर डैमेज ऑप्टिक नर्व? हाँ बिल्कुल है, ग्लोकमा ये सब के लिए मैंने अभी थोड़ी देर के लिए कहा है आपको प्रॉपर एक केस टेकिंग करके देना पड़ेगा। एमएन खान बोल रहे हैं सर यू आर ग्रेट डॉक्टर साहब, मुझे रिंगवर्म हुआ था ट्रीटमेंट कराने से पर रिंगवर्म खत्म हो गया, बट रिंगवर्म वाली जगह पर दाने हो गए, उनमें बहुत इचिंग होती है, ट्रीटमेंट कराने से ठीक नहीं होता, प्लीज़ कोई मेडिसिन। देखिए वहाँ पर दाने निकल रहे हैं इसका मतलब ये है प्रॉपरली आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो सप्रेस होकर रह गया है, उसका जड़ से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए और प्रॉपर कोर्स करिए। इकबाल हुसैन जी बोल रहे हैं थैंक्स फॉर नाइस इन्फॉर्मेशन, लिटिल कन्फ्यूज प्लीज क्लियर How we take sulfur 200, madolinum 200, is it same day or alternative Sunday? देखिए ये आपको मिनिमम 15 दिन से एक महीने के गैप में आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ऑल्टरनेट संडे करिए चलेगा, इट्स ओके, सिंगल डोज लीजिए, रिपीट ना करें। आगे बढ़ते हैं, सर थोड़ा नंबर दे दो जी, अंग्रेज सिंह जी बोल रहे हैं मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप लोग 9040404263 9040404263। विजय सक्सेना जी बोल रहे हैं सर आर रियल इम्प्रेस विद एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेसिव नैरेटिव एंड डिटेल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, नो डाउट अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। आगे बढ़ते हैं, गौरी भौमिक जी सर मेरी हस्बैंड को सीजीएम जिम्नेमा सफलंडरा एब्रोमा सब मदर टिंचर 10 10 10 10 दिन में 3 बार दिया, ठीक सर ठीक है नहीं जरा बताइए। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो डोज थोड़ा रिड्यूस कर देना। गायत्री त्रिपाठी जी बोल रहे हैं सर हेल्प मी माय हस्बैंड सफरिंग फ्रॉम सोरायसिस लास्ट 10 इयर्स। गायत्री जी मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए, उसमें कॉन्टैक्ट करिए, बिल्कुल आप उसका ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए, बहुत सारे लोग क्योर हो चुके हैं, आप भी क्योर हो सकते हैं। 9040404263 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने की कोशिश करें। फिर से रिपीट कर देता हूँ गायत्री जी 9040404263 9040404263। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, और वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए,
आप सब लोगों का जो भी डाउट है कमेंट्स में भेजिए, मैं जब भी फ्री हो जाऊंगा आपका जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।